हरिपुर नगर पालिका परिषद से चेयरमैन पद की प्रत्याशी श्रीमती वर्षा शर्मा जी के हस्बैंड योगेंद्र शर्मा जी से कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे और नगर के बारे में हम कुछ जानेंगे, कुछ उनकी राय भी लेंगे। आइए, लेकर चलता हूं मैं योगेंद्र शर्मा जी के पास। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं। आइए योगेंद्र शर्मा जी से पूछते हैं कि उन्होंने राजनीति में आने का मन क्यों बनाया। योगेंद्र शर्मा जी, जनता पूछना चाहती है, आपसे जानना चाहती है कि आपने राजनीति में आने का मन क्यों बनाया। मित्र, राजनीति में आने का तो कोई मन नहीं बनाया, क्योंकि चुनाव लड़ना और राजनीति में आना ये दो अलग चीज। राजनीति हमें आती नहीं है और राजनीति हम लोग सीखना भी नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि अगर राजनीति में आने का मन होता है तो किसी न किसी पार्टी का टिकट लिया होता। हमारा उद्देश्य कहीं से भी राजनीति में आने का नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है फरीदपुर की जनता को जो यहाँ पर समस्याएं व्याप्त हैं उनसे निजात दिलाना। इसके लिए कहीं से भी राजनीति में आने जैसा मुद्दे से जोड़ करके ना देखें। हमारा उद्देश्य केवल और केवल समाज सेवा का है, फरीदपुर के विकास का है। उसके विकास के लिए चेयरमैन पद एक माध्यम, ना कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम राजनीति में आए। योगेंद्र शर्मा जी, चुनाव जीतने के बाद तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी नहीं? क्यों, चुनाव जीतने के बाद राजनीति करना पड़ेगी, इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। अगर राजनीति करेंगे तो काम कब करेंगे? अगर जनता ने मौका दिया तो हम राजनीति नहीं काम करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य काम करना है। अगर राजनीति करेंगे तो काम के लिए समय कहां से आएगा? क्योंकि फरीदपुर में समस्याएं इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि उन समस्याओं को हल करने के लिए जब काम किया जाएगा तो राजनीति के लिए कहीं से समय निकल पाएगा। तो योगेंद्र जी, आपके मुद्दे क्या हैं? जहां तक मुद्दों की बात है तो वो मुद्दे हमारे नहीं है, फरीदपुर के मुद्दे। उन मुद्दों से जनता का सरोकार है, उन मुद्दों से समाज का सरोकार है। उसमें कुछ ज्वलंत विषय हैं, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत अनिवार्य। सबसे पहला मुद्दा है कि नगर पालिका की लूट खसोट पूरी तरह से बंद हुई। दूसरा मुद्दा है कि बार बार जल भराव की समस्या से निपटने के लिए बार बार सड़कों को ऊंचे करने की जो एक पॉलिसी चली आ रही है नगर पालिका की, उस पर अंकुश लगाया जाए जिससे कि लोगों के मकान सुरक्षित हों, उनके मकान बर्बाद हों। इसलिए दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा यही है कि जल भराव के नाम पर सड़कों को किसी भी स्थिति में ऊंचा नहीं किया। तीसरी समस्या की जनता से जुड़ी हुई समस्या है, बड़ा मुद्दा है, लावारिस पशुओं की जो समस्या है फरीदपुर में, उस पर रोक लगाई जाए, उसके लिए व्यवस्था की जाए, सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। फरीदपुर जैसे कस्बे में नीट, आईआईटी, इस तरह के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कोई कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, उस कोचिंग की व्यवस्था को करना भी हमारा एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वो भी हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। इसके अलावा बालिकाओं के कोचिंग सेंटर्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके आसपास की जो लोकेलिटी है उसको शरारती तत्वों से बचाने के लिए उन स्कूलों के आसपास, कोचिंग सेंटरों के आसपास नगर पालिका अपने खर्चे पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक पार्किंग जोन बनाने का हमारा एक पूरा उद्देश्य है जिसमें लोग अपनी गाड़ियों को आराम से खड़ा कर सकें। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना हमारा एक बड़ा मुद्दा है जिससे कि लोगों को अपने बिना बात में सबमर्सिबल जैसी बड़े प्रोजेक्ट की, बड़े पैसे की चीज़ों पर अपना निवेश ना करना पड़े, हम लोगों को शुद्ध जल 24 घंटे उपलब्ध करा सकें। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। सुना है वर्षा शर्मा जी हाउस टैक्स आधा करने की बात कर रही हैं, भाई किस प्रकार करेंगे? जनता को अगर कोई लाभ पहुंचाया जाए तो वो घाटा नहीं होता। सबसे पहली चीज तो यही,
वेलफेयर इकोनॉमी में और डेफिसिट इकोनॉमी में इन चीजों को घाटा नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये आय और व्यय के मुद्दे से जुड़ा हुआ विषय हो, अगर हम हाउस टैक्स आधा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नगर पालिका का बजट है उसको कहीं ना कहीं तो मेंटेन करेंगे ही। हमारे घोषणा पत्र की जो तमाम चीजें हैं वो उसका आय का साधन भी है। जैसे फरीदपुर में लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए किराए पर जगह लेते हैं, सबके पास गैरेज की व्यवस्था नहीं है, तो जब हम पार्किंग जोन बना रहे हैं तो उस पार्किंग जोन में जो लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करेंगे उनसे मासिक रूप से उसका किराया लिया जाएगा, जो वर्तमान में वो किसी प्राइवेट बिल्डिंग को लेकर के प्राइवेट गैरेज को लेकर के जो किराया देते हैं उस किराए से कम होगा, लेकिन उससे नगरपालिका की आय बढ़ेगी। पहला तरीका। दूसरी चीज, जब हम बात कर रहे हैं कि हम 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उससे भी आय बढ़ेगी, क्योंकि लोग आज आरओ का पानी खरीदते हैं, वाटर कूलर अपनी दुकानों पर मंगाते हैं, अपने घरों में मंगाते हैं, जिसका पैसा वो प्राइवेट लोगों को देते हैं। ये हमारी योजना का हिस्सा है, उस पेयजल को नगर पालिका आरओ के पानी को उपलब्ध कराएगी, वाटर कूलर उपलब्ध कराएगी, जिससे नगर पालिका की आय बढ़ेगी। इसके अलावा सस्ते शॉपिंग मॉल और सस्ती डिस्पेंसरी जो कि जन स्वास्थ्य और जन सुविधा के लिए होंगी, इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे। एक तो जनता को सस्ती दवाइयां मिलेंगी, शॉपिंग मॉल पर सस्ते सामान उपलब्ध होंगे, साथ ही साथ उस सस्ते उपलब्ध होने के बाद भी नगर पालिका को कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें प्रॉफिट होगा, जिससे कि नगर पालिका की आय बढ़ेगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग कभी आगे बैठ करके डिस्कस करेंगे। आज आपने इतनी बात को रिकॉर्ड किया, इसके लिए धन्यवाद, और मैं ये चाहूंगा कि जो आपने प्रयास किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से आप दूसरे प्रत्याशियों के भी इंटरव्यूज लें और उसको आप अपने सोशल मीडिया पर पब्लिश करें। ये एक अच्छा कदम है आपका और निश्चित रूप से आपको इस पर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश शर्मा जी, आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों को हमने सुना और एक अच्छी सोच सामने निकल कर आई है और लगता है कि अब विकास होगा, एकदम विकास होगा और पक्का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।